उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें LHTV इंडिया को, और आपके जिले की मौसम की जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद इन राज्यों में कमी आएगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों से मानसून की विदाई की स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज, झारखंड, बिहार, गंगी पश्चिम बंगाल में भी आज और निकोबार द्वीप समूह में भी आज से अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो यहां भी असम, मेघालय में आज से अगले 2 दिनों तक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भी आज से अगले 24 घंटे तक तेज बारिश होगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बता दें कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी हो चुकी है, ऐसे में सूबे के लोग अब गुलाबी सर्दी का एहसास कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने लखनऊ केंद्र ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने आज यूपी में और दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट होने की संभावना जताई है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरने का अनुमान जताया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगर बात करें, मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आपको बता दें 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिजली कड़कने, कुछ इलाकों में आंधी तूफान आने की भी चेतावनी जारी की है। पश्चिमी और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहां मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यूपी में ये भी बताया है कि क्या होगी बारिश और किन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के साथ पूर्व उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना ना के बराबर जताई है। इसके साथ ही कल भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश होने का लेकर कोई भयंकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। किसी भी हिस्से में बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना ना के बराबर जताई गई है। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अब फिर हो सकती है कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश। आज आपको बता दें उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बैराज, लखीमपुर खीरी, बैराज, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया में एक या दो स्थानों पर गरज चमक साथ कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर में कुछ स्थानों पर गरज चमक साथ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।